विगत 20 दिनों से महोबा में गंदे पानी की सप्लाई जिला प्रशासन और जल विभाग के द्वारा की जा रही है, जिससे आम आदमी का जनजीवन व्यस्त की जगह त्रस्त हो चुका है। बड़े बच्चे छोटे सारे बीमार हैं, सारे बच्चे अस्पतालों में जा रहे हैं। हम लोग को 10 साल पेट की इतनी तकलीफ होगी कि पेट में इतना दर्द है कि दादा से ज्यादा। कनेक्शन भी है पर पानी नहीं जा रहा है। आप उनसे संपर्क करें तो वो कुछ बताएंगे हमें, क्योंकि पाइपलाइन जो बिछी हुई है और उनको हैंडओवर है, तो उसमें हम लोग कोई छेड़खानी अपनी तरफ से नहीं कर सकते। हमको भरने नहीं जा पाती क्योंकि पैरों के मारे मजबूर बैठी रहती होंगी, बरसे का पानी पी रहे हैं। इसमें तो नहाओ तो छुचरान आती है, अगर ये पीते हैं तो उल्टी होती है। क्या बनाता है एक महीने का बनाता है 120 रुपया बिल कहाँ से हो रहा है जमा, जब पानी न मिल पावे या गंदा पानी को पी हुए गंदा पानी। पानी काफी 15 दिन से गंदा आ रहा था, तो इसकी सूचना पहले नहीं आपको मिली थी? ठीक है, ट्रीटमेंट करने में दिक्कत हो रही थी, हमारे फिल्टर जो है वो चोक हो जा रहे थे, आपस में दिक्कत आ रही थी। आपका घर ऊंचाई में पड़ता है इसलिए या छोड़ते नहीं है सप्लाई? छोड़ते नहीं है पानी, पानी नहीं छोड़ रहे हमारे। पानी तो मतलब एक साल से आ ही नहीं रहा है, जब कनेक्शन हुए थे तो 1-2 महीने पानी आया, उसके बाद नहीं आया, बस बिल भर जमा करने जाते हैं। क्या समस्या है आपके यहाँ? मुझे पानी की है भाई समस्या, झाड़ू वाले नहीं लगाने आते, पानी वाले पानी गिराने नहीं आते, और रोड है तो रोड नहीं बन रही, पूरी खुदी पड़ी। कब से नहीं आया पानी? पानी है तो नहीं आ रहा था, कम से कम 5-6 महीने। आप दिन भर में कितने बार जाते हैं पानी लेने? दिन भर में 4 बार। सिर्फ पीने भर का पानी है? पीने के लिए, नहाने के लिए, वो तो नहाने काबिल नहीं है ना पीने काबिल पानी है। गंदा पानी है, पी पी के वही जुकाम खांसी मरे जा रहे, पी पी के बच्चा तन तन से बीमार डरे, क्या होता है जो पानी पीते हैं? कभी आने कब 10 दिन में आने कब नहीं आने। 2 दिन हो गया पहले से पानी में कुछ प्रभाव दिखाई दिया? हाँ, उनके आने के बाद पानी में परिवर्तन आया, पहले पीला पानी आ रहा था, अब काला पानी आ रहा है, और मुझे लगता है इस पानी में घातक रसायनों का भी घोल आ रहा है जो जनजीवन को प्रभावित कर सकता है, और खासकर बच्चों को और गरीबों को, उनकी आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है जो दीर्घकालीन तक उनको प्रभावित करेगा। क्या कारण था कितना पानी गंदा आ रहा था? ये जो उसमें जो कंटिन्यूटी है पानी की, जैसे चारों तरफ से पानी आता है, जो खेत पहले से जूते पड़े हुए थे और गर्मी में सब सूखा पड़ा हुआ था, पानी अचानक इतना तेज बरसा हुआ है कि वो सब बह करके लौ मिट्टी और सब एकदम से आ गया, तो मट्ठा जैसा हो गया पानी, ये दिक्कत थी, उसे फिल्ट्रेशन में दिक्कत हो गया। कितने दिन से आप? मेरे को एक हफ्ता हो गया। कहाँ इलाज करवा रहे हैं? प्राइवेट दिखवाया तो थोड़ा बहुत आराम है। आपके इलाज में कितना खर्चा हो गया होगा? 5-6 हज़ार रुपये खर्च हो गया मेरा। लोग त्रस्त है पानी से, हम लोगों को भी पेचिस का शिकायत हो जाता है जब पानी गंदा पीते हैं, या मजबूर है पैसा देकर पानी खरीद के पीने के लिए, हमारी आमदनी हो या ना हो, हमें पैसा तो अगर है तो खर्च करना पड़ता पानी खरीदने में।